हमारा मकसद जो केजरीवाल ने झूठे वायदे किए थे उसको बेनकाब करने का है। और वायदे किससे किए थे? इस सड़क के ऊपर आप लोग जाके देखिए, हर 100 कदम के ऊपर एक धरना, एक प्रदर्शन चल रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, अलग अलग दिल्ली के, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर बैठकर दुहाई दे रहे हैं केजरीवाल को कि आपने हमसे वायदा किया था, वो वायदे आपने पूरे नहीं किए। और उसी तरीके से मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पर तमाम सफाई कर्मचारी संगठन, जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आए, उन लोगों ने ये बात कही कि 26 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में केजरीवाल ने एक कार्यक्रम रखा है, अधिकार दिवस। अधिकार दिवस सफाई कर्मचारियों को फिर गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए उसने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। वो यहाँ पर कुछ घोषणाएं करता, कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तमाम सफाई कर्मचारी संगठनों को विश्वास दिलाया कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और उसका प्रेशर ये इतना हुआ कि आज फिर केजरीवाल ने यू टर्न मार लिया। केजरीवाल की ये हमेशा से आदत रही है, सिर्फ घोषणा करना, उसको पूरा नहीं करना। इसी तरीके से आज जो उसको सफाई कर्मचारियों को नौकरी पे पक्का करने के लिए घोषणा करनी थी, आज जो उसको ये कहना था कि हर महीने आपकी जो तनख्वाह 14,000 है उसको बढ़ाकर हम 28,000 करेंगे, जो 40,000 है उसको बढ़ाकर क्लास 3 की जो तनख्वाह है वो देंगे, ये वायदा किया था केजरीवाल ने। आज उसने वो वायदा पूरा ना करते हुए आज फिर उस प्रोग्राम को कैंसिल किया, क्योंकि उसको मालूम था कि सफाई कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। और आप भाइयों एक बात सुनिए, संगठन में ही शक्ति है। आप एकजुट हुए, आपने आवाज उठाई तो केजरीवाल के हौसले पस्त हो गए, उसने फिर यू टर्न मारा। उसको मालूम था कि अगर ये जो वायदे मैंने किए सिर्फ घोषणा तक रह गए तो फिर ये सफाई कर्मचारी जो झाड़ू का निशान वो अपनी टोपी पे लगा के घूमते हैं उसको उतार लेंगे। और मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आज जिस तरीके से सफाई कर्मचारी के संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं नामों की औपचारिकता में इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर उसका अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस कार्यक्रम की एक अच्छी खूबसूरती ये है कि जो सफाई कर्मचारी है आपने उसको तंग नहीं किया, आपने उसको अपने काम पे रहने दिया, उसको अपने घर पे रहने दिया। और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तमाम संगठन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसके समर्थन में आई, ये बहुत बढ़िया। मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमें सीएम हाउस पर और यहाँ 26 सितंबर को दिन रखा गया सफाई कर्मचारियों के लिए अधिकार दिवस का। केजरीवाल साहब ने इस आयोजन को रखा और उसी दिन का आयोजन रखा कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने कहा हम मनाएंगे छलावा दिवस, जो सफाई कर्मचारियों को छला जा रहा है उस पर छलावा दिवस। तो केजरीवाल साहब ने अपना अधिकार दिवस जो है वो कैंसिल कर दिया है, और वही कांग्रेस ने जो है वो आज 26 तारीख को ही वो अपना आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं, छलावा दिवस मना रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर सफाई कर्मचारियों सहित जो है कांग्रेस मौजूद है, और केजरीवाल के जो है वो हाय हाय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और छलावा दिवस का मनाया जा रहा है। तो इसकी अभी वजह नहीं पता लग पाई है कि केजरीवाल साहब ने किस वजह से जो है वो प्रोग्राम को जो है स्थगित किया है, कैंसिल किया है। तो अभी हम जानना चाहेंगे कुछ लोगों से कि आखिर वजह क्या रही। छलावा
दिवस का प्रदर्शन जो है वो यहाँ आक्रोशित होता जा रहा है। एक बैरिकेड को जो है वो तोड़ चुके हैं और जो दूसरा बैरिकेड है वो वहाँ पर अभी जा रहे हैं जी। काफ़ी तादाद में जो है वो जनसंख्या यहाँ पर मौजूद है और सफाई कर्मचारियों से लेकर कांग्रेस के जो पदाधिकारी है और कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सफाई कर्मचारी संगठन भी यहाँ तकरीबन मौजूद है और काफ़ी संख्या में जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। पिंकी सूद जी भी यहाँ पर देखिए मौजूद है, महिला शक्ति है। और ये देखिए केजरीवाल के पुतले को जो है यहाँ पर पीटा जा रहा है और छलावा दिवस जो है वो यहाँ मनाया जा रहा है। तो दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया भी यहाँ पर जो है मौजूद है और छलावा दिवस मनाने के लिए एक बैरिकेड जो है वो तोड़ चुके हैं दूसरे बैरिकेड की तरफ। और वो हर चार साल में झूठे वायदे किए हैं, झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर इनके सफाई कर्मचारियों की हक ही नहीं दिए। फौजी मर जाता है, पुलिस वाला मर जाता है, उसे 1 करोड़ रुपए देते हैं ये, लेकिन सफाई कर्मचारी सीवर कर्मचारी मरता है उसे कुछ नहीं देते जी। ये, बिल्कुल ये देखिए इनका सही कहना है कि जो सौतेला व्यवहार है वो बिल्कुल हो रहा है जी। रामकुमार बिडलान जी हमारे साथ में, छुआछात का व्यवहार है ये जी जी, भेदभाव का व्यवहार। बिडलान साहब क्या कहेंगे? जैसे हमारे सीनियर नेता भजनी जी ने कहा कि जो केजरीवाल ने जो एक झाड़ू का चिन्ह लेकर हम लोगों को एक बेवकूफ़ बनाया, हमारा चिन्ह छीनकर अपना फायदा किया, और जो वादे किए केजरीवाल ने पिछले साल 5 साल पहले वो वादे पूरे नहीं किए। हम आज राजेश लिलोठिया के नेतृत्व में जितने नगर निगम में संगठन चले सारे एक होकर केजरीवाल का कुतरा दहन करने के लिए आए उन मांगों के लिए। हमारी मांगे 20-25 साल से चलती आ रही, कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा, कर्मचारी की डेथ हो जाती, उनको समय पर नौकरी नहीं मिलती, इन मांगों को लेकर लिलोठिया के नेतृत्व में हमारे राजधन भजनी जी भी तमाम साथी आज हम इस प्रदर्शन में हमारे पहले। आपको क्या लगता है ये जो अधिकार दिवस जो मना रहे थे तालकटोरा में वो क्यों कैंसिल किया गया है, कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये जो अधिकार दिवस मना रहे थे ये खामे खाका बना रहे थे और केजरीवाल जी ने घोषणा जो करनी थी वो इनके बस की नहीं है करनी, क्योंकि हमारे को 4.5 साल से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और आगे भी बेवकूफ़ बना रहे हैं ये। जो कुछ नहीं किया तो क्या, 25-25 साल से हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे बहन और भाई हमारे कच्चे हैं, वो अभी तक कच्चे ही हैं, उन्हें क्यों नहीं पक्का करते? जब इनका समय आता है कि वोट लेने का, अब रह गए 3-4 महीने से विधानसभा के चुनाव के अंदर, तो इनको याद आ रही है वाल्मीकि समाज की, दलित समाज की और अन्य समाज की। केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं पक्का करना चाहता हूं मगर बीजेपी नहीं करने देती। ऐसा कुछ नहीं है, जब कांग्रेस का टाइम था शीला दीक्षित जी बैठी थी, सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन सरकार थी, वो सारे के सारे पक्का किया उस टाइम के अंदर, उसके बाद इन्होंने कोई पक्का नहीं किया किसी को। जब से झूठे वादे करते आ रहे हैं हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब से कि केजरीवाल साहब हमें आप जवाब दो कि हम सुबह जब 4 बजे उठ के आते हैं पूरी दिल्ली को स्वच्छ करते हैं, हम पूरी दिल्ली को ऐसा बना देते हैं, चमक चमकाए थे, किन के लिए कोई बीमारी खत्म कर देते हैं हम सारी की सारी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर हमारा ही समाज, आज हमारा ही समाज ऐसा बेवकूफ हो रहा है कि ना तो हमारे समाज को समय पे रोटी मिल रही है, ना हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, ना हमारे भाइयों को कच्चों को पक्का किया जा रहा, ना एरियल मिलता उनको, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उनको पैसा नहीं मिलता, और जो डेथ हो जाती है जिनकी उनको नौकरी नहीं मिलती है। हम पूछना चाहते हैं दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से कि जो ये झूठे वादे कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? एक दिन तो पाप का घड़ा भरेगा और आज वो पाप का घड़ा भर गया है। राजेश लिलोठिया जी के नेतृत्व में, भाई भीर सिंह दिघान के नेतृत्व के अंदर, चरण सिंह कटेरा के नेतृत्व में, राजेंद्र भजनी जी के नेतृत्व में, टोनी सूद के नेतृत्व में और राम कुमार जी के नेतृत्व में, भाई सतीश के टांग के नेतृत्व के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद और जय वाल्मीकि। युवा नेता सतीश टांग जी आज क्या कहेंगे आप इस पर? पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, जो आज ये छलावा दिवस मनाया जा रहा है ये कांग्रेस कमेटी की तरफ से मनाया जा रहा है और कोर कमेटी जो है इसके अंदर पूरे जोर से
से कांग्रेस कमेटी तो कहती है हम समर्थन कर रहे हैं। जी जी समर्थन मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस कमेटी और कोर कमेटी दोनों मिलकर उनके खिलाफ केजरीवाल जी के खिलाफ ये प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज को बताया जा सके कि हमारे साथ किस प्रकार से केजरीवाल जी हमारे जो साथ कर रहे हैं वो सब कुछ पता चल, दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं उसके बारे में बताया जा सके। और दूसरा नंबर क्या है कि हमारे साथ अभी तक जितना भी हुआ है वो केजरीवाल जी के शासनकाल में हुआ है, क्योंकि इससे पहले शीला दीक्षित का जो शासनकाल था उसके अंदर हमें पक्का भी किया गया था, हमारी सारी सैलरी वैलरी सब कुछ हमें टाइम पर मिलती थी, मगर इनके इनके टाइम पर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, सारा कर्मचारी जो है सड़क पर आ चुका है, हमारे कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिलता, और तो और सैलरी हमें हर महीने मिलनी चाहिए, उसके लिए भी हमें बड़ा पक्का तो आप कह रहे हो कांग्रेस ने किया है। 2004 से स्थाई करने की जो लड़ाई चल रही है जी, तो 2014 में जाके पक्के हुए हैं लोग। जी जी जी, तो इसमें कांग्रेस का क्या सहयोग रहा? सर कांग्रेस का सहयोग पहले से ही इन्होंने, हम कांग्रेस ने पहले से ही एक रूप बना के रखा हुआ था, रूपरेखा जो उनकी पॉलिसी थी उसके आधार पर ही पक्का किया गया था। 10 साल लगा दिए उस काम, सर उस काम के लिए 10 साल लगाने का कारण यही था क्योंकि बीच में जो हमारे कार्य जो हुए उसके विषय में कांग्रेस को मालूम नहीं था, फिर कांग्रेस ने अपनी एक पॉलिसी बनाई उसके आधार पर हमें पक्का किया गया था। मगर पॉलिसी बना तो दी लेकिन लागू नहीं, सर लागू हो रही है मगर ये लागू कर नहीं रहे, 2 साल का जो बैच बनाया है ये इन्होंने लागू नहीं किया जी। जो आगे काम करने चाहिए थे एक तो बीजेपी और कांग्रेस सरकार कोई भी हो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। आप क्या कहेंगे सर? तो छलावा दिवस जो मना रहे हैं आप दिखाई दे रहा है छलावा के रहा है, इनका कोई भी जो स्टाफ इन्होंने दिल्ली सरकार के अंदर रहे इरेगुलर, किसी को रेगुलर करने की इन्होंने वादे किए थे। 2014 में आए थे कि हम कर्मचारियों को रेगुलर कर देंगे, कैशलेस की भी तो उसका कैशलेस की बात हो, वो तो गरीब इनको मेडिकल फैसिलिटी देने के बाद कोई सुविधा, आज इनकी जो तनख्वाहें हैं जो इरेगुलर वर्कर हैं, इनकी बुढ़ापा आ गया उनका, चाहे मलेरिया डिपार्टमेंट के अंदर डीबीसी का वर्कर होगा 8,000 रुपये काम कर रहा था उसको 12,000 रुपये में सैलरी पहुंची जा करके, सफाई कर्मचारियों को 8-10 में भी ईपीएफ के नाम पे जो काटा कुछ नहीं हुआ, काटा जा रहा है और काट कर भी कोई उनको ना तो कोई उनको आईडी नंबर दिया, क्या आप इससे पता कर सकते हैं? ये धोखा मैं बता रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना नाम, ये केवल कह रहे हैं कि काटा है, कोई काटा नहीं जा सकता, धोखा कर रहे हैं, कहाँ जमा कर रहे हैं, किसी स्टाफ को भी नहीं पता है। होमगार्ड के अंदर आप देख रहे हैं रेगुलर की बात इतनी देर, स्टाफ के अंदर आप हेल्थ डिपार्टमेंट की स्वास्थ्य की बात करते हैं वहाँ की स्टाफ की हालत देखिए आप, कॉन्ट्रैक्ट में जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर है, किसी कोई रेगुलर नहीं किया गया उनसे, और ऊपर से निकाला और जा रहा उनको लोग करके, हरासमेंट बहुत की जा रही है। केजरीवाल सर की राजधानी में जब ये हाल है तो सोचिए जो दूसरे स्टेट है जहाँ पर इतनी सुविधाएं भी नहीं है तो वहाँ क्या हाल होगा कर्मचारियों का? स्वाभाविक है, तो पत्रकार महोदय आप बेहतर समझ सकते हैं, हम लोग हमारे लोगों को तो दिल का दर्द है, हाथ दिल दबाया करते हैं, आप देख रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ कितने संगठन यहाँ से लेकर 200 संगठन बैठे हुए, चाहे तो यहाँ पर देखिए केजरीवाल साहब का जो है सीएम है उनका पुतला यहाँ पर दहन किया गया है और छलावा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। तो चलिए रिटर्न हम चलते हैं सुनील कुमार जी के साथ में। सुनील कुमार जी, जी अंजाना साहब बताइए, मैंने आपसे कहा कि आपने देखा आज ये पहला एक छोटा सा नमूना है और अगर केजरीवाल साहब अभी भी नहीं समझे कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी क्या हालात हैं, उन्होंने जब से वो सत्ता में आए हैं आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी भी धरने पर बैठे तब जाके उनको सैलरी मिली। तो मेरा मानना यह है कि जो ये सफाई कर्मचारी हैं ये इतनी सेवा करते हैं, ये इतना अपने आप को भी उनके समर्पित करते हैं और उसके बावजूद इनको सैलरी नहीं मिलती है, मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र देकर कॉर्पोरेशन में भर्ती होते हैं। बिल्कुल होते हैं उनका कब आप देखते हैं कि कुछ लोग सीवर में जाते हैं उनको कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके लिए कोई सेफ्टी गार्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो लोग सीवर में जाते हैं वो भी आपने देखा होगा उनकी भी डेथ होती है तो उनको भी कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ, मैं केजरीवाल जी से कहूँगा कि वो उनको 1-1 करोड़ रुपए का उनका मुआवजा रखे, जैसे सीमा पर जवान शहीद होता है उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि उनको भी जो है इस तरीके का मुआवजा मिले। जी चलिए धन्यवाद। सत्यवान पवार जी क्या कहेंगे? सर आज जो हम आए हैं तमाम यूनियन के लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि केजरीवाल सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है और ये छलावा दिवस के रूप में हमने मनाया है क्योंकि झाड़ू का निशान लेके और इन्होंने तमाम जो वाल्मीकि समाज है उसको गुमराह किया है और बहुत लंबे लंबे वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि जो कच्चा कर्म जहर उसको पक्का करेंगे लेकिन इसने कुछ नहीं किया, ये तमाम झूठ बोलता है और तमाम ये जो जितनी भी नौकरियाँ हैं सबको ये ठेकेदारी में देना चाहता है, इसलिए तमाम जो हमारे कर्मचारी हैं
हैं वो सब इसके खिलाफ हैं और हम इसको सत्ता में नहीं आने देंगे। बिल्कुल हमने मन बना लिया है, तमाम संगठन इकट्ठे हो गए हैं। जिन्हें भी दिल्ली तो स्वच्छ बनाया और एक दिन की झाड़ू मारने से नरेंद्र मोदी तो अमृता जैसा देश अवार्ड देता है। जब मोदी तो अवार्ड मिलता है तो सफाई कर्मचारी आज की डेट में जो आज तक की डेट तक कर्मचारी है नरेंद्र मोदी तो परमानेंट करना चाहिए। जी बोलिए। वो सारा जो आज परसों नरेंद्र मोदी जी तो दलोवर दौल तीपरता अवार्ड मिला है, अगर नरेंद्र मोदी जी उस हद ते उस अवार्ड ते दावेदार थे तो जो दिल्ली तक सफाई कर्मचारी है उन तो जो आज 2019 सितंबर तक डेढ़ तक कर्मचारी है वो सारा परमानेंट होना चाहिए। जब उस अवार्ड की दरिमा बनी रही थी, नहीं तो मोदी जी तो वो अवार्ड अमृता तो उल्टा लौटा देना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए इनका साफ कहना है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम नन्हवाराम प्रधान, अखिल भारतीय युवा मजदूर मोर्चे का संस्थापक। जी आज आपने जो समर्थन दिया है कांग्रेस को दिया है और कांग्रेस ने आपको दिया है और छलावा दिवस जो मना रहे हो कि किस वजह से मना रहे हैं? सर कांग्रेस को समर्थन दिया इस बेस पे क्योंकि कांग्रेस ने जब भी कांग्रेस की सरकार रही कभी सफाई कर्मचारियों पे कोई अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन आज जब से ये 5 साल 6 साल से बीजेपी और कांग्रेस आई है, ये आई है बीजेपी और ये तुम्हारा आम पार्टी आई है, इसने बिल्कुल ठग लिया है कर्मचारियों को। और इतने बहुत वादा किया था, बहुत बड़ा वादा किया था हम पक्के कर देंगे इनको, जो है सारे पैसा बढ़ा देंगे, इनकी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ा देंगे, जो कच्चा है उसको पक्का कर दिया जाएगा। इसलिए हमने इसका जो है विरोध किया है, शुरू से विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्हें झूठे वादे किए हमेशा झूठा रहा। सबसे माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि एक नारा इन्होंने लगाया था 5 साल पहले कि 5 साल केजरीवाल, लेकिन पिंकी सूद और पूरी वाल्मीकि कम्युनिटी और हम ये कहते हैं कि आखिरी बार केजरीवाल, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। जी जी देखिए बॉर्डर पर जो सैनिक बैठे हैं वो और सफाई कर्मचारी जो सड़क पर काम करता है और गंदगी में काम करता है उसको मेहनताना तो मिलता है मगर सिर्फ उतना कि वो सिर्फ जी पाए। आप देख लीजिए अभी एक सैनिक ने अपने खाने को लेकर जो एक वीडियो जारी कर दी तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया और वहीं सफाई सैनिक यानी सफाई कर्मचारी काम तो करता है मगर वो इस भारत के अंदर 4,000 से लेकर वो सिर्फ 14,000 तक, वो जो देश की राजधानी में सैलरी है वो 14,000 रुपये है और जो बाकी स्टेट है उसमें 4,000 रुपये से लेकर, 4,000 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि 1,500 तक लोगों को जो तनख्वाह मिलती है और उस पर कहते हैं कि स्वतंत्र भारत और आ जाता है। मचला जी, मचला साहब आपने जो प्रोटेस्ट किया आज, प्रदर्शन इतना भारी तादाद में किया है कांग्रेस और सफाई कर्मचारियों ने मिलकर जो किया है, देखिए ये पीड़ा थी एक सफाई कर्मचारी की, ये पीड़ा थी उस वर्ग की जिस वर्ग को एक हाईलाइट कर दिया गया। निगम अगर सरकार के अधीन है तो मैं आपसे बस केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि केवल सफाई कर्मचारियों की सैलरी क्यों रोकी गई, अदर्स क्यों और जो डिपार्टमेंट से कंसल्ट रखता है दिल्ली सरकार के उनकी सैलरी क्यों नहीं रोकी गई? अगर MCD इनके अंडर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलीज पैसा होता है वो सीधा दिल्ली सरकार के पास जाता है, दिल्ली सरकार रिलीज करता है MCD को, पैसा कर्मचारी तक पहुंच नहीं रहा। आप मैं केजरीवाल से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप विज्ञापन में करोड़ों रुपए तो आप लगा सकते हैं पर सफाई कर्मियों को जो कि रात दिन मेहनत करता है उसको सैलरी नहीं दी जाती। अदर्स जो अगर मजदूर है, अदर्स यानी सफाई कर्मी के अलावा जो मजदूर है उसको कहा जाता है कि पसीना सूखने से पहले उसको उसकी दिहाड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सफाई कर्मियों का खून भी सूख जाता है, खून बह रहा है उसके बावजूद भी ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो क्या हमें लगता नहीं आपको, मैं फिर किसी बात से कहता हूँ, क्या हमें गुलामी बनाने की एक प्रथा दोबारा शुरू नहीं करते? सारे अधिकारी जब एक मिलकर ये खड़े हुए हमारे सफाई कर्मचारी भाई तो उसको लगा कि मेरा ये कार्यक्रम रद्द हुआ है, उसने रद्द करा और विफल हुआ है उसका प्रोग्राम। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा मैं भी इसी समाज से हूँ और आप समाज ने जो है आपको हाउस में भेजा है लड़ने के लिए, निगम में भेजा है, तो आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आवाज उठाते हैं? आपने देखा होगा कि जैसे ही मेरे यहाँ से 113 सफाई कर्मचारी हटाए गए थे, हमारे भाई थे वो जब हटाए गए थे तो आपने देखा होगा कि मैंने मेयर हाउस में भी कूड़ा फेंका था, मैंने कमिश्नर के बाहर भी, कमरे के बाहर भी कूड़ा फेंका था, टोटल TV और बहुत सारे चैनल थे जिन्होंने दिखाया था, शायद आप नहीं थे वहाँ पर। आप देखेंगे कि मैं हमेशा अपने भाइयों की लड़ाई लड़ती आई हूँ और आगे लड़ते रहेंगे। इन्होंने तो हमें आगे भेजा कि कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला हो। जी 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 मैं इनके
बिल्कुल साथ हूँ और मेरा ही तो परिवार है, तो मैं अपने परिवार के लिए नहीं लड़ूंगी तो और किसके लिए लड़ूंगी। जी बिल्कुल, ये एकदम साफ कहना है गुड्डी जी का कि ये इनका परिवार है और इनके लिए वो लड़ेंगे, मगर कहाँ तक लड़ेंगे ये सच्चाई जो है वो खुद जानते हैं। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।